हेलो दोस्तों, जायका विद तनुजा में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, अगर आप घर में गणपति जी की मूर्ति नहीं ला पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप कैसे गणपति जी की पूजा कर सकते हैं और कैसे सुपाड़ी के गणपति को गणेश की प्रतिमा मानकर उसकी वैसे ही पूजा कर सकते हैं। तो आज मैं इसकी पूरी विधि आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। पूरे हर्षोल्लास से बनाइए इसको, चाहे आप प्रतिमा रख रहे हैं या गणेश जी की सुपाड़ी को रख रहे हैं, लेकिन पूरे हर्षोल्लास से गणपति जी का हमें स्वागत भी करना चाहिए और विसर्जन भी करना चाहिए, पूरा उसी विधि के अनुसार। सिर्फ हम प्रतिमा नहीं ला रहे हैं, लेकिन जो हमारी सुपाड़ी है उसको हम गणपति की तरह ही पूज रहे हैं। तो इस चीज का आप एक खास ध्यान रखिए। आप उनके लिए मोदक बनाइए, पूरे हर्षोल्लास से सारी पूजा विधि करिए। आप देख रहे हैं कि मैंने पूरी पूजा विधि करी हुई है, लेकिन ये मैंने कैसे करी है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। और जो लोग प्रतिमा नहीं ला पाते हैं उनके लिए ये बहुत इजी है ऐसे पूजा को करना। सबसे पहले हम एक साफ प्लेट ले लेंगे। प्लेट लेने के बाद उसमें एक सुपाड़ी रखेंगे, लेकिन अपने मन में ओम गंगणपते बोलते रहेंगे, गंगणपते का जाप करते रहेंगे। अब इस गंगा जल से इसको शुद्ध करेंगे। तो गंगा जल इतना पवित्र होता है, जिस चीज से भी इसका स्नान कराते हैं वो चीज हमारी पवित्र हो जाती है। अब हम एक मूली लेंगे, एक बिल्कुल साफ मूली लेंगे, और उस मूली से हम इसको पूरी सुपाड़ी को इसी तरह से पकड़ के कवर करते रहेंगे। आप देख रहे हैं मैंने कैसे इसको उसके एक छोर को पकड़ लिया है और दूसरे छोर से मैं इसको घुमाती जा रही हूँ, और मैं इसको पकड़ के इसको घुमाती रहूँगी कि जब तक कि ये सुपाड़ी पूरी तरह से कवर ना हो जाए, कि हमारी जो सुपाड़ी है वो बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। पूरा मूली से हम इसको ढक देंगे। आप देख रहे हो ये बहुत इजीली हो जाता है, इसे करने में कोई मुश्किल नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत सुपाड़ी के गणपति की मान्यता है, वहाँ तो लोग गाड़ी में हर जगह अपने घर में मंदिर में सुपाड़ी के गणपति रखते हैं। वहाँ बहुत मंदिरों के सामने, गणेश जी के मंदिरों के सामने गणपति जो होते हैं सुपाड़ी के गणपति बहुत मिलते हैं, और इस तरह से पूजा भी होती है वहाँ। महाराष्ट्र में बहुत सारे मंदिरों के सामने सुपाड़ी के गणपति बने हुए मिलते हैं, उसके ऊपर वो लोग अलग अलग तरह की प्रतिमा भी बना देते हैं और सजा भी देते हैं। लेकिन आप सुपाड़ी के इस तरह से गणपति बनाकर इनको पूज सकते हैं। अपने घर में इसको उसी तरह से लेकर आइए। मैं थाली में आरती के साथ इनको लेकर आई। लेकर आने के बाद मैंने चौकी पे थोड़े से चावल रखे और जो मैंने ये गणेश जी हैं इनको रख दिया। आप इनको लाते वक्त पूरे गाने के साथ ताली बजाते हुए आरती करते हुए इनको घर में अंदर लेकर आइए। लेकर आने के बाद चौकी के ऊपर आप जैसे मूर्ति की स्थापना करते हैं, पहले थोड़े से चावल रखते हैं फिर मूर्ति को रखते हैं, उसी तरह से इन गणपति जी की स्थापना करिए। लेकिन कहते हैं कि सामने अगर मूर्ति हो तो एक भाव और अलग आते हैं, इसलिए मैंने इसकी स्थापना करेंगे वो हैं, और जो चांदी के मैंने भी गणेश जी एक अच्छे से तैयार करके उनको भी रख दिया है। और ये पान के पत्ता रखा है मैंने, और इसके ऊपर एक सुपाड़ी रखी है। मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि ये रिद्धि और सिद्धि होती है। पहले पान के पत्ते के नीचे हम चावल रखते हैं, फिर पान का पत्ता रखते हैं, और उसके बाद हम सुपाड़ी रखते हैं। तो गणेश जी के आसपास रिद्धि और सिद्धि भी होती है। तो हमने ये दोनों सुपाड़ी रख दी हैं दोनों तरफ, इसका भी हम रोली से और चावल से इनका पूजन करेंगे, और ऐसे ही हम इन गणेश जी का पूजन करेंगे। मैंने ये जनेऊ है, ये जनेऊ इन पे चढ़ा दिया है, जो गणपति मैं लेकर बनाए हैं मैंने सुपाड़ी के, इनके चारों तरफ मैंने एक जनेऊ चढ़ा दिया। जनेऊ की मान्यता बहुत है कि गणेश जी के ऊपर जनेऊ जरूर चढ़ना चाहिए। एक जनेऊ मैंने कलश पे भी चढ़ा दिया है। पूजा की जो विधि है वो बिल्कुल वही है जो मैंने अपने आप को मैंने पहली वीडियो में बताई हुई है। बस ये है कि हम उसकी जगह मूर्ति की जगह सुपाड़ी के गणपति की पूजा कर रहे हैं। मैंने इनका स्वागत भी बिल्कुल वैसे किया है जैसे कि घर में लाते वक्त इसको वैसे ही लाई हूँ मैं, आरती से बहुत अच्छे से खूब गाने से ताली से बजा बजा के, जैसे हम मूर्ति को लेकर आते हैं।
बिल्कुल वैसे ही इनका स्वागत मैंने किया है। अब इसके बाद इसकी मैंने स्थापना कर दी है। स्थापना करने के बाद मैंने कलश रखा है। मैंने कलश आपको बताई है, गणेश जी के राइट हैंड साइड पे कलश की स्थापना करते हैं। अच्छे चावल रखे हैं, चावल से अष्टकोण बना रखा है, ये मैं अपनी पहली वीडियो में आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। और लोटे में गंगा जल डाला हुआ है और आम के पत्ते हैं, आम के पत्ते के ऊपर हमने नारियल को रखा हुआ है। तो हमने इस तरह से अपने कलश की स्थापना करी है और इसके बाद इसके ऊपर जनेऊ फूल रख दिया है और हम दोनों इसमें माला भी चढ़ाऊंगी मैं, जैसे मैंने गणपति जी पे चढ़ाई है। भागवत में बताया जाता है कलश के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का विराजमान है, ऊपर विष्णु का, उसके नीचे जो कलश दबा हुआ है वहाँ शंकर जी का, और जो फैला हुआ स्थान है वो ब्रह्मदेव का, और जो सबसे नीचे का स्थान है वो आदिशक्ति और शिव का स्थान है। तो पूरा इसमें 33 करोड़ देवी देवता का कलश की में का स्थान होता है। तो कलश की स्थापना हमें पूरे ध्यान से करनी चाहिए। गणेश जी पे धूप घास भी जरूर चढ़ाई जाती है, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। जितने दिन भी आप इनको विराजमान कर रहे हैं तो धूप घास जरूर चढ़ाएं। कहते हैं भगवान की पूजा में अगर हमसे अनजाने में कोई गलती हो गई है तो भगवान उसे माफ़ कर देते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, छोटी या बड़ी गलती हम हर से हो सकती है। तो इसलिए भगवान की पूजा करते बस भगवान का बस आप ध्यान रखिए और ओम गं गणपते बोलते जाइए और उनकी पूजा को उसी तरह से करते जाइए। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से करिए, या आपके घर में जिस तरह से भी गणेश जी की पूजा होती है बस उस तरह से करिए। बस ध्यान ये रखिए कि जैसे मैंने आपको बताया है कि कलश किस साइड रखना होता है, गणेश जी पे हमें क्या क्या चढ़ाना होता है, इसमें हमें दूर्वा घास जरूर चढ़ानी है, भगवान के मोदक का भोग लगाना है, तीनों टाइम खाना का भोग लगाना है, बस प्याज का और लहसुन का परहेज करना है, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। और भगवान का पूरा जोर शोर से गाने बजाने के साथ उनका स्वागत कीजिए, उनका विसर्जन कीजिए, बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। स्थापना करते वक्त हम जिस समय स्थापना कर रहे हैं, हम 3 दिन 5 दिन 7 दिन जितने दिन के भी गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो अपने मन में संकल्प लीजिए और उतने ही दिन के गणेश जी अपने घर में बिठाइए, फिर उनका विसर्जन करिए। विसर्जन वाले दिन भी आप उनका जो खाने का भोग है वो लगाइए और उनकी आरती कीजिए। और जितने भी आप हर्षोल्लास से आप बहुत सारे लोगों को बुला के करना चाहते हैं, अपना अकेले में करना चाहते हैं, जैसा आपको सही लगता है, लेकिन मेरा मन करता है पूरे हर्षोल्लास से मनाना तो मैं वैसे ही मनाती हूँ। विसर्जन करते वक्त मैंने आरती कर दी, उनका भोग लगा दिया। अब विसर्जन करते वक्त हम इस जो सुपाड़ी के गणपति हैं उनका सबसे अच्छा होता है हम घर के गमले में ही, एक साफ गमले में उनका विसर्जन करते हैं। तो अब हम मैंने जो सुपाड़ी के गणपति हैं और अपने एक साफ गमला लिया है, अब हम इसका विसर्जन करेंगे। मिट्टी के साइडों में हम इसको साइडों में थोड़ी सी एक जगह बना लेंगे और जगह बनाने के बाद इसे अंदर की तरफ थोड़ा सा कर देंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये पानी में मैंने गंगा जल डाला हुआ है और इस पानी को हम थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा सा मीठा चढ़ा देंगे और थोड़े से फूल चढ़ा देंगे और इसी तरह से पूरे हर्षोल्लास से इन गणपति जी को विदा करेंगे और अपने मन में कामना करेंगे कि हे गणपति महाराज हमारे सारे कष्टों को दूर करिए और जल्दी ही अगले साल हमारे घर में उतनी ही सुख शांति को लेकर आइए। बस आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, ये कामना करते हुए हम सब गणपति जी को विदा करेंगे। मैंने गणपति जी को विदा करने से पहले जो हम इनकी आरती करते हैं वो सब कर दी थी, भोग भी लगा दिया था, तो बस अब इस तरह से मैं इनकी विदा कर रही हूँ। मैंने पूरा और डिटेल में इसलिए नहीं बताया है कि मैं ये सब चीज़ें अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि कैसे गणपति जी की आरती करते हैं, कैसे उनकी स्थापना करते हैं। तो ये मैं एक शॉर्टकट में आपको गणपति जी के बारे में बता रही हूँ कि हम इनकी जो सुपाड़ी वाले गणपति जी हैं इनकी विदाई कैसे करते हैं। तो आप अपने घर में गणपति जी रखिए और पूरे हर्षोल्लास से गणपति जी की विदा करिए। जैसे हम प्रतिमा जब विसर्जन करते हैं और उनके कान में बोलते हैं गणेश जी के कि अपनी जो भी मनोकामना होती है वो बोलते हैं, तो आप जब सुपाड़ी के गणपति जी की विदा कर रहे हैं तो अपनी अपनी मनोकामना को जरूर बोलिए।
और भगवान से मानिए कि आप हमारी जो भी मनोकामना है उसको पूरा करिए। इस तरह से गणपति जी की विदा करिए। आप चाहो तो आप जब कभी नदी में जा रहे हैं या कहीं किसी भी गंगा जी में जा रहे हैं तो इस मिट्टी को आप चाहो तो वहाँ पर भी सिरा सकते हो, नहीं तो यहाँ पर इस पर आप पौधा लगा लीजिए तो भी कोई बात नहीं है। और अगर आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस पर तुलसी का पौधा नहीं लगाइए, और जो भी कलश में पानी है आपके वो पानी पूरे घर में आप डालिए, उसका छिड़काव करिए अपने घर में पूरे को। बस इस चीज़ का आप खास ध्यान रखना, उसके पानी को आपको तुलसी जी के पेड़ पर नहीं चढ़ाना है। और हमने जो ये रिद्धि और सिद्धि रखी हुई है, इन ये सुपारी भी आप चाहो तो गमले में ही लगा सकते हो, जो हमने जहाँ गणपति रखे हैं वहाँ पर इसको ही दबा सकते हो, या फिर आप जहाँ पर ये फूल और ये नदी में कहीं विसर्जन करने जाते हो वहाँ भी इनका विसर्जन कर सकते हो। और ये जो लाल कपड़ा बिछा हुआ है ये अपने अपने पूजा के उसमें रख सकते हो। और जो नारियल है उस नारियल को आप इस चीज़ का खास ध्यान रखना, किसी घर में सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांट दीजिए या कोई मीठा बना लीजिए, लेकिन आप चटनी में या किसी ऐसी चीज़ में मत डालना जिसमें कि प्याज व्याज डली होती है। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आगे कौन सी ऐसी पूजा की विधि या आपको देखना है, तो मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी आपके लिए। क्या आप कौन सी वीडियो के बारे में या कौन सी पूजा के बारे में या खाने के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।